रहेगा बेटा, टॉप रैंकर, इज्जत से आ। जी गॉड, फाइनली यहाँ पर वापस से वो एक हायर ग्राउंड्स का एरिया अपना यहाँ पर वापस से जा चुके, उन्हीं सेम पोजीशंस ग्राउंड, बट यहाँ पर एडमिन हो ओके फाइनली एडमिन हो का वो रिफ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार, और इसी के चलते वो एक और नॉकआउट यहाँ पर निकाल चुके हैं। और अब देखते हैं वो यहाँ पर फिलहाल कुछ एस 36 उनके पास भी यहाँ पर रहेगी, दो फिनिशेज, दूसरा भी फिनिशेज जो है वो कुछ और भी इनकी टीम के पास में आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पंक वो अभी भी यहाँ पर एक ऊपर की तरफ यहाँ पर जा चुके थे, नीचे के नीचे वापस से दूसरी बिल्डिंग से यहाँ पर टीम जो है वो मूव इन कर सकती है। देखना होगा वो चीज़ें यहाँ पर इस फाइट में देने की, और देखते हैं वो चीज़ें किस ओके। फिलहाल यहाँ पर एक और प्लेयर को नॉकआउट किया जाता है, पंक विद दैट अनदर नॉकआउट, और राइट नाउ वापस से लास्ट प्लेयर, इनफैक्ट वो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे विद इन नो टाइम। टीम गॉडलाइक में है क्या गया, रहेगी उनकी तरफ से वो एक फाइट अपने लिए बेटर बनाने का। ओपन में प्लेयर्स नॉक्ड आउट है, एक हाथ में ग्रेनेड यहाँ पर एडमिन होके रहने वाला है, बट दूर से भी कुछ डैमेज यहाँ पर दिया गया था, बट फाइनली निंजा बॉय वो कहाँ डैमेज दे रहे हैं, वो प्लेयर्स को तो देख लीजिए, टीम टीएमजी के आपको यहाँ पर मार रहे हैं और आप मारने की कोशिश कर रहे हैं टीम गॉडलाइक को, बट अब यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशेज जो है वो सिक्योर किए जा सकते हैं। जी गॉड की तरफ से भी स्प्रेस किए जाएंगे, सिंगल शॉट पंक राइट नाउ वो यहाँ से फिनिशेज अभी अपने पास में बनाते हुए, पंक काफ़ी ज़्यादा दूर स्प्रेस करने की कोशिश, बट नहीं वो कनेक्ट होगा अगेन दिस टाइम, सेम विल बी देयर जो कि पर इस बार बीस्टी को आगे से स्पॉट कर चुके, बीस्टी विल बी द ओनली प्लेयर राइट नाउ, और टीम गॉडलाइक के पास में वो पांच फिनिशेस ऑलरेडी इस बार यहां पर देखने को मिल चुके हैं। सो देखते हैं वो चीजें किस तरीके से यहां पर पॉसिबल होने वाली है। निंजा बॉय वो यहां पर जल्दी से जल्दी कुछ और भी कंफर्मेशंस बनाएंगे, छह फिनिशेस ऑलरेडी यहां पर टीम के पास में आ चुके हैं। बीस्टी मीनवाइल को लार काफी अच्छे तरीके से चेज करके अब इसके बाद यहां पर डाउन किया जाएगा। पंक यहां पर पहुंचे हैं, पंक के सामने वो एक 1v1 की फाइट है, बट वो 1v4 में तब्दील होगी, और पंक का वो शॉट साथ कुछ नहीं भाई, मेरे को तो कुछ भाई पसंद है भाई। विराट भाई नेक्स्ट भाई क्या ही बोलूँ अभी। ओके सो फिलहाल यहाँ पर केएस गेमर के ऊपर एक नॉकआउट निकाला गया टीम गॉडलाइक की तरफ से, और अब यहाँ पर वो एक स्लैमन देखने की कोशिश अभी यहाँ पर की मिल सकती है। यहाँ पर फिलहाल स्लैमन आया है, सिम्प काफ़ी ज़्यादा आगे आया है, और सिम्प इतना ज़्यादा आगे है तो वो यहाँ पर एक ग्रेनेड उनके हाथ में रहने वाला है, सामने की तरफ प्लेयर्स के ऊपर पैरों पर वो ग्रेनेड यहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल वो ग्रेनेड जाएगा, वो कनेक्शन यहाँ पर हालांकि नहीं मिले हैं, बट एक प्लेयर अभी भी वो नॉकड आउट आई गेस यहाँ पर वो कन्फर्म हो चुके हैं। वरुण यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सिम्प उनको चेज करने की कोशिश, बट नहीं वो कर पाएंगे, और अब दूसरा प्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहने वाले, बट इसी बीच यहां पर इस बार वेज लॉल की तरफ से वो नॉकआउट आया, बट संस्कारी को तो देखिए वो यहां पर अपने पीछे तो देखिए वो एक प्लेयर था, सिम को नॉकआउट जरूर करेंगे, बट एडमिन वो पोशंस मिल जाएंगी इसके बारे में, और टीम गॉडलाइक को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अभी इस चीज के बारे में, बट सीक्रेट सामने की तरफ रहने वाले हैं, एडमिन रुकेंगे और फाइनली एडमिन रुकेंगे और डाउन भी करेंगे, क्या वो पीक था, हालांकि प्लेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, बट अब टीम गॉडलाइक को अंदाजा लग चुका है, टीम डीएमसी उनका वेट कर रही है, और टीम डीएमसी बच्चा कहीं रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि टीम गॉडलाइक मोड में रहे और मोड में है तो यहाँ पर 10 फिनिशेज आ चुके हैं। सिम्प की तरफ से वो कवर फायर देने की कोशिश, अगर वो प्लेयर पीक करा तो उनको डाउन होना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी के लिए जीगॉड की तरफ से वो क्लोज इन आया, एक प्लेयर ऊपर की तरफ वेट तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जीगॉड के ऊपर वो एक अच्छा खासा डैमेज, एक प्लेयर पीछे भी रहने वाले, जीगॉड को आगे जाना अब थोड़ा सा भारी पड़ेगा, और सिम्प मीनवाइल वो काफ़ी ज़्यादा लो ऑन एचपी पर है, एडमिनो भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ जा रहे हैं, बट देखते देखते दो फिनिशेज ऑलरेडी आ चुके हैं, और अब यहाँ से टीम को जो है वो मूव इन करना चाहिए, बट वो किसी और डायरेक्शन में यहाँ पर हेड कर रहे हैं, जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर उनका वेट कर रहे थे, बट इसी के चलते यहाँ पर पंक को डाउन किया जाएगा, और सिम्प गेट से डाउन इन नाउ, ये एक डिसीजन था जो पीछे की तरफ जाने का वो बैकफायर काम नए, और बस बाकी और कुछ बोलना है तो बताइए भाई, बट फिलहाल जेमोटी को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर दी 100 रुपीज़ सुपर चैट, और इसी के साथ है यहाँ पर एक और प्लेयर शिफ्टर को यहाँ पर नॉकआउट, ओके एडमिन हो वो यहाँ पर दो नॉकआउट निकाल चुके, और अब यहाँ पर लूफी विल बी द लास्ट प्लेयर, वो एक ग्रेनेड लूफी के ऊपर वो जाने वाला है, वो फटने वाला है, नहीं वो प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट ज़्यादा देर तक मेरे को लगता नहीं है लूफी वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि एडमिनों के ग्रेनेड अक्सर वो इतने ज़्यादा आसानी से मिस होते नहीं है, बट लूफी थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, और अब एडमिनों भी यहाँ पर अपनी साइड से कोशिश काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लूफी के पास में वो थोड़े से कवर्स है, और फिलहाल वो यहाँ पर कुछ फ्री फायर भी लिए जा रहे हैं, बट अगर लूफी के पास में वो ग्रेनेड रहा तो दिक्कतें हो सकती है, बट नो एडमिनो विद दैट क्लच यहाँ पर एक और टीम को डाउन करा जाएगा, और 14 फिनिशेज टीम गॉडलाइक के पास में आते हुए इस मैच से, बट एडमिन